ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरेन रिजिजू के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता आनंद चतुर्वेदी। माननीय मंत्री जी, इस वर्ष होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 के संबंध में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। हर साल की तरह हमारे भारत देश में युवा महोत्सव मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, और इस बार भी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड के चलते इस बार उसको हम थोड़ा वर्चुअल मोड में मनाने जा रहे हैं, लेकिन हर जगह वो सेलिब्रेशन चल रहे हैं, लेकिन वर्चुअल मोड से हम दिल्ली में सबसे जुड़ेंगे, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, और लोकसभा स्पीकर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो ये महोत्सव जो है अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारा लिटरेरी एक्टिविटीज भी हम कर रहे हैं देश भर में, और कल्मिनेशन होगा यूथ पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इसको मनाया जाएगा। तो एक तरह से हम यूथ पार्लियामेंट को एक अलग से हम रूप दे रहे हैं, जो एक्चुअल लगेगा युवाओं को कि पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में वहां उनको भाषण देना, ये अलग अनुभव होगा, और फिर देश भर में जगह जगह से इनको हम लाइव जुड़ेंगे, ऐसा कार्यक्रम का रचना हुआ है। आदरणीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश एवं समाज के बहुमुखी विकास हेतु महत्वपूर्ण मुद्दों को केंद्रित करते हुए फ्लैगशिप कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। इन फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो और वे इससे लाभ ले सकें, इस संदर्भ में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने इन योजनाओं के प्रचार प्रसार में क्या योगदान किया है? देखिए, भारत सरकार का जितना भी कार्यक्रम चल रहा है उसको क्रियान्वित करने में, लोगों तक पहुंचाने में हमारे युवा कार्यक्रम मंत्रालय के जितने भी संगठन हैं और हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो पूरे लगे हुए हैं। हमारा थीम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि भारत सरकार का कोई भी कार्यक्रम समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। जब ये थीम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कोने कोने तक हमारे वॉलंटियर्स कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। अलग अलग कार्यक्रम है इसमें, जैसे कि जनधन खाता सबका खुलवाना, फिर आधार कार्ड बनवाना, फिर उसके बाद में गंगा को साफ रखने के लिए नमामि गंगे का कार्यक्रम हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत का कार्यक्रम हो, या सामाजिक क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हमारे खेल मंत्रालय के जैसे फिट इंडिया है, खेलो इंडिया है, अलग अलग कार्यक्रम जो है अलग अलग मंत्रालय चला रहे हैं। तो हर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उसको पहुंचाने में हमारे जो कार्यकर्ता है वो योगदान दे रहे हैं, और सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वित जो हो रहे हैं उसमें युवा कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। सर, आप खुद ही एक यूथ आइकन हैं और देश के युवाओं को फिट इंडिया से जुड़ने के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, किसी भी इंसान को जिंदगी में अगर अच्छा जिंदगी जीना है तो डिसिप्लिन लाइफ होना है। डिसिप्लिन लाइफ का एक अर्थ ये होगा कि आपको फिट रहना है। आप अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट नहीं होगा तो बाकी सब बेकार हो जाते हैं। सबसे प्राथमिकता जरूरत चीज हर इंसान के लिए फिटनेस होता है, आपका वेलनेस। अब ऐसा समय में जब कोविड को हम फेस कर रहे हैं, तो उसमें भी ये दिखाई दे रहा है कि जो शारीरिक रूप से जो फिट है उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी ताकत होता है, उसमें बहुत ही मजबूती से वो कोई भी चीज का सामना करते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, उसका मकसद ही ये है कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं रहेगा, ये एक तरह से जन आंदोलन रहेगा। तो फिट इंडिया के लिए बहुत सारे योजनाएं हम लोग कर रहे हैं, पिछले लगभग 1.5 सालों में तमाम प्रकार के फिट इंडिया कार्यक्रम चलाया है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, प्राइवेट एकेडमीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट के दुनिया में, प्राइवेट सेक्टर्स में, इंडिविजुअल स्तर पर, गांव में, हर मोहल्ले में आप देखेंगे कि फिट इंडिया का कुछ ना कुछ चल रहा होता है आजकल। तो हमारा टारगेट है कि अगले 2-3 साल तक में कम से कम 80% भारत के हर जनता फिटनेस का कार्यक्रम करे और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो फिट रहे। सर, भारत एक युवाओं का देश है और खेलों के प्रति लोगों के उत्साह को और बढ़ाने के लिए
इस और इससे संबंधित आधारभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? खेल के दुनिया में हमको बहुत कुछ और करना है। इस हकीकत को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश खेल के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे ओलंपिक्स में छोटे छोटे देश कई मेडल ले जाते हैं और जो बड़ा महाशक्ति है, अमेरिका है, चीन है, रूस, ब्रिटेन है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कोरिया, ब्राजील, ये जो ताकतवर देश है खेल के क्षेत्र में, इनका आप इतिहास देखिए। हमारा हॉकी को छोड़कर हमने कुछ नहीं कर पाया। हमारा आखिरी गोल्ड मेडल हॉकी में भी 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, उसके बाद हम कभी भी मेडल नहीं, हम फाइनली नहीं पहुंच पाए। बीजिंग ओलंपिक्स में एक गोल्ड और दो ब्रॉन्ज मिले थे, शूटिंग में, एक बॉक्सिंग में और एक रेसलिंग में। लंदन में हमको 6 मेडल मिला था लेकिन गोल्ड नहीं मिले। फिर रियो ओलंपिक्स में सिर्फ 2 मेडल मिले, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। तो इसको देखते हुए मेरे मन में बहुत बड़ा बोझ है कि इतना बड़ा देश और इस प्रकार से हम ओलंपिक्स के अंदर में प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया 2015-16 में, इसको हम नई स्तर तक ले जा रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय सोच विकसित करने तथा देश की विविधता पर गर्व करने को इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में आपके मंत्रालय का क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। हमारे युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से जो हम नेशनल इंटीग्रेशन कैंप चलाते हैं, मैं खुद गया हूं 2020 के, जो कश्मीर घाटी में एक कार्यक्रम हुआ था गांदरबल में, 370 जो आर्टिकल हटाने के बाद पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने गांदरबल में किया था। देश भर के बच्चे और कश्मीर के बच्चे, बाकी जगह लोग कह रहे थे कि टेंशन है ये, लेकिन जब मैं गांदरबल पहुंचा वहां धूमधाम नाच गान फुर्ती के साथ पूरे भारत एक, ये दृश्य हमको गांदरबल में देखने को मिला। तो उतना बड़ा असर है ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। जैसे लोग आपस में मिलते हैं फिर बिछड़ते, ऐसे नहीं है। ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो है वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ फुर्ती करते हैं और भारत का एकता को सेलिब्रेशन करते हैं। तो जो विविधता में एकता का जो हमारा स्लोगन है, ये हमारा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में दिखता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, इसको हर मंत्रालय, हर संगठन को इसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे जो युवा कार्यक्रम विभाग है ये एकदम इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और पूरा भारत को एक देश एक सूत्र में बांधने का ये सबसे बड़ा मंत्र है। और मैं तो ये भी मानता हूं कि हर एक व्यक्ति को एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस मंत्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इसको अपने मन में समाहित करते हुए सबको कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। मंत्री जी, युवा महोत्सव के आयोजन के पीछे क्या भूमिका है और युवा शक्ति को जनता के साथ जोड़ने की इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? युवा महोत्सव मतलब क्या है, आप उसको समझे। एक सीधा सीधा शब्दों में कहेंगे तो यू सेलिब्रेट योर यूथफुलनेस। किसी भी देश का असली ताकत युवा शक्ति होता है। युवा शक्ति को जिसने पहचान लिया वो देश मजबूत है। तो युवा शक्ति को देश के निर्माण में कैसे योगदान करना चाहिए, ये एक तरीके से वो सेलिब्रेशन है। भारत के कोने कोने में जितना जो युवाओं का संगठन है और हर एक युवा को हम किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ रहे हैं और साथ साथ में हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो हमारे भारत देश को लोग कहते हैं कि आज के दिन में सबसे युवा देश में से एक है और बड़ा देशों में तो सबसे युवा देश है। तो इसमें युवा शक्ति को हम भारत के एक जो विकसित भारत का सपना है उसमें युवाओं का योगदान को किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये जो युवा महोत्सव में एक दिशा देता है। इसलिए इस बार का हमारा थीम भी है युवा, युवा महोत्सव का थीम भी युवा। तो इसलिए युवा का देश में, युवा शक्ति को देश निर्माण में किस तरह से काम करना है, ये हमारे इसी सोच के साथ युवा इस बार महोत्सव हमारे देश में मनाया जा रहा है। सर, आज हमारे देश में कई यूथ आइकन्स हैं, अलग अलग यूथ आइकन्स हैं, हर क्षेत्र में अलग यूथ आइकन है, जो है वो क्रिकेट हो,
या मीडिया जगत हो या कहीं भी हो, तो युवा महोत्सव के जरिए इन यूथ आइकन्स को कैसे एसोसिएट किया जा रहा है? देखिए, इसमें एक तो यूथ आइकन्स होते हैं जो लोगों को प्रेरणा देती है, इंस्पायर करते हैं बाकी को भी, आप मेहनत करो तो आप भी अचीव कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम एक जो सामान्य वर्ग के युवा है, जो आइकन्स नहीं हो सकते हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो सकते, लेकिन देश के काम तो आ सकते हैं, उसको मायूस होने का कोई जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना दायित्व होता है, अपना अपना रोल होते हैं। जो आम युवा है उसको भी देश निर्माण में उसका योगदान होता है, ये उसको समझ देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो युवा कोई आइकन है वही देश को बनाता है, देश को बनाता है सब। इसलिए हरेक व्यक्ति का महत्व क्या है उसको हम लोगों तक बताना और उनको सम्मिलित करना अपने कार्यक्रम में, ये हमारा लक्ष्य है। माननीय मंत्री जी, आपके मंत्रालय से जुड़े युवा संगठनों जैसे NSS और NYKS के युवाओं के द्वारा स्वेच्छा, स्वयं सहायता एवं प्रतिभागिता के आधार पर सामाजिक विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, युवाओं के द्वारा किए गए इस योगदान को कैसे प्रोत्साहित एवं इंसेंटिवाइज किया जा रहा है? देखिए, लगभग 60 लाख से ज्यादा हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड युवा वॉलंटियर्स है हमारे पास। NSS जो नेशनल सर्विस स्कीम है और नेहरू युवा केंद्र संगठन है, हमारे युवा कार्यक्रम विभाग के अंदर में दो बड़ा संगठन है, उसके अलावा स्काउट्स एंड गाइड्स ये सब भी आते हैं, तो उनमें भी बहुत है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ के आसपास युवा जुड़े हुए हैं सरकार से, उनमें NCC भी है स्काउट्स एंड गाइड्स के अलावा, और भी कुछ और संगठन है जो जुड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से NSS और NYKS ये हमारे दो बड़ा संगठन है युवा कार्यक्रम मंत्रालय में। ये जो दो विभाग में जितने भी जो वॉलंटियर्स है मैंने देखा है, और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं किया है इसमें, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है, वॉलंटियरिज्म। जो वॉलंटियर्स हैं उनका कंसेप्ट वो वॉलंटियरिज्म ही है, तो इनको कोई ज्यादा कोई सुविधा दिए बिना जो भी कार्य करते हैं, ये देख करके मैं खुद भी बहुत ही प्रेरित हूं कि हमारे इतने बड़े संख्या में जो युवा है, मुश्किल से उसको एक कप चाय मिलता है, एक कप कॉफी मिलते हैं, एक पीस रोटी या ब्रेड खाते हैं, और गांव में जाकर के पूरा सेवा करते हैं। जैसे यूथ कैंप लगाते हैं, कोई भारत सरकार के कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए वो ये कैंप लगाते हैं। हमने एक प्रपोजल भेजा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी और हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है, कि हमारे जो वॉलंटियर्स है उसको थोड़ा सा और इंसेंटिव्स अगर हम दे पाए तो अच्छा होगा। सर, चलते चलते एक सवाल आपसे ये कि आपके नेतृत्व में युवा और खेल मंत्रालय ने एक नया आयाम देखा है और सभी जो यूथ है इस देश का वो आपकी तरफ काफी आशा भरी निगाहों से देखता है। आप ऐसे यूथ को जो प्रशिक्षण की चाह में और कहीं सुदूर गांवों में बैठे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा अपने देश के युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें अपने आप को एक्टिव रखें, और कुछ यूथ क्लब्स हैं अलग अलग जिलों में, उस यूथ क्लब्स में आप रजिस्टर करें, और युवा कार्यक्रम का कोई भी वहां गतिविधि होते हैं उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में यूथ कोऑर्डिनेटर होते हैं और ब्लॉक्स में यूथ वॉलंटियर होते हैं, उनसे संपर्क रखें। भारत सरकार का कोई भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में आप हिस्सेदारी बने। दूसरा, हर युवाओं को मेरा तरफ से अपील करना चाहता हूं कि आपके जवानी, आपका जोश, आपका ताकत देश के लिए काम आना चाहिए। अगर हर युवा देश के लिए सोचेंगे, कुछ योगदान करेंगे, तो भारत देश अपने आप महान रहेंगे, मजबूत होंगे और प्रगतिशील राष्ट्र के हिसाब से हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम एक विकसित राष्ट्र बनना है। तो एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हरेक भारतीय को योगदान देना होगा। तो इसलिए हर एक युवा से मेरा अपील है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको पूरा करने के लिए जितना जल्दी हो सके देश को विकसित बनाना है, तो युवाओं को कहना चाहता हूं कि निराशा के रास्ते से नहीं चलना है, आशा के रास्ता पे चलना है, और हम भारत को विकसित राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पता है EIRNSDTalks@gmail.com।